हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका डिजिटल गेमिंग के नए यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा पबजी मोबाइल के जो 0.9.0 वाला जो अपडेट है उसके पैच नोट्स के बारे में। ये पैच नोट्स ऑफिशियल पबजी मोबाइल वालों ने निकाली है। और ये पैच नोट्स क्या होते हैं कि जो भी अपडेट्स आने वाले उनका रिटर्न में फॉर्मेट होता है कि क्या क्या नया आएगा। तो इसका जो बेटा वर्जन है वो आ गया है 0.9.0 का एंड्रॉयड के लिए। तो बेटा वर्जन आपको डाउनलोड करना तो आप कर सकते हो। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यू वेदर, मैप इम्प्रूवमेंट्स एंड फेस्टिवल इफेक्ट्स। तो नाइट मोड आ रहा है एरेंगल मैप में और वो अल्टरनेट होगा बिटवीन डे एंड नाइट रैंडमली, यानी कि फर्स्ट 10 मिनट्स डे होगा, फिर 10 मिनट्स नाइट होगा, ऐसे चेंज होता रहेगा। फिर आते हैं नाइट विजन गूगल्स, वो गूगल्स पहन के आप जब नाइट मोड आता है तब आप इजीली देख पाओगे। फिर नई बिल्डिंग्स आने वाली है जॉर्जोपुर एरिया में और भी बहुत सारे एरिया में। फिर जो रिवर्स है उनके आसपास उनके बैंक्स पे कवर आएगा, यानी कि आप कवर लेके शूट कर सकते हो। और आगे देखते हैं पैच नोट्स में तो है, और गाइस और ट्रीज ऐड हुए ओपन एरियाज में, ज़्यादा ट्रीज आएंगे। फिर एक मूवी पिक्चर स्टाइल ऐड होगा, यानी कि वो स्टाइल आप यूज़ कर पाओगे सारे मैप्स में, जो आपको दिखेगा HD ग्राफिक्स होते हैं वैसे ये नई पिक्चर स्टाइल है। फिर एक एलोविन अपडेट है जो कि एक लिमिटेड टाइम अपडेट होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो स्पॉन आइलैंड होता है जैसे कि जहाँ पे हमें एप्पल मिलता है सैनोक में, वैसे सारे स्पॉन आइलैंड्स में हमें कैंडीज और वो पम्पकिंस जैसा कुछ हेलोविन के अपडेट में मिलेगा। फिर है कि अगर कोई हेल फायर में मरता है, रेड जोन में मरता है या AKM से मरता है तो उनका स्केलेटन बन जाएगा, उनकी डेड बॉडी का एक स्केलेटन जैसा दिखेगा। ये एक लिमिटेड टाइम अपडेट है हेलोविन के लिए। फिर जो नया अपडेट आएगा उसमें ये सब चला जाएगा, ये लिमिटेड अपडेट वाला। फिर जो नेक्स्ट है न्यू वेपन व्हीकल एंड रिलेटेड इम्प्रूवमेंट्स, तो आइए वो देखते हैं कि उनके पैच नोट्स क्या है। गाइस गन की बात करें तो नई गन आई है QBU DMR। DMR यानी कि जो मिनी 14 है, SKS है, SLR राइफल है, वैसे एक नई DMR आएगी जो कि सिर्फ सैंडहॉक मैप में आएगी, यानी कि अब सैंडहॉक मैप में मिनी 14 नहीं मिलेगी, आपको QBU DMR मिलेगी। फिर एक नई पिकअप ट्रक आई है, नई व्हीकल आई है जो भी सिर्फ सैंडहॉक में ही मिलेगी। फिर एक रैंडम म्यूजिक प्ले फीचर आएगा व्हीकल्स में, जैसा कि GTA में आता था रेडियो जैसा म्यूजिक बजेगा जो कि आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। फिर जो इंजन का साउंड इफेक्ट्स है वो चेंज होगा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे काम वाली, सबसे बढ़िया जो अपडेट है आएगी वो है फर्स्ट पर्सन की ड्राइविंग में। जब आप FPP में ड्राइव करोगे तो बहुत ही बढ़िया दिखेगा, आपको सीधा बाहर का एरिया दिखेगा जैसे कि PC वर्सन में दिखता है। फिर बुलेट स्पीड के सब है, बुलेट स्पीड की एक्यूरेसी है, बाकी सब रिकॉइल की जो दो अपडेट है वो भी यहाँ पे लिखा है। फिर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आई वो है कि वर्टिकल रिकॉल और हॉरिजॉन्टल रिकॉल AKM का कम हुआ है। AKM का रिकॉल जैसे कि हमें पता है बहुत ही ज़्यादा है, तो वो अब कम हुआ है। और अगर आप कंपेंसेटर लगा कि AKM खेलोगे अब तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही बढ़िया गन हो जाएगी वो। फिर बाकी सारा तो एनिमेशंस का है कि 4X स्कोप और वो सब कैसे चेंज दिखेगा, एडेड ब्रेक बटन, वो सब एनिमेशंस का है, तो एक बार ये भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर है मैच मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स, यहाँ पे लिखा है कि एक ऑप्शन आएगा जिसमें सिस्टम है जो पबजी मोबाइल का मैच मेकिंग सिस्टम है, वो जो टीममेट्स जो सेम लैंग्वेज, यानी कि दो हिंदी प्लेयर होंगे या फिर स्क्वाड में हिंदी प्लेयर, उनको पहले प्रीफ्रेंस देगा, उनको पहले स्क्वाड में वो ज्वाइन करवाएगा। फिर मैच मेकिंग भी इम्प्रूव हुआ है, और जो एस्टिमेटेड टाइम कभी कभी लिख के आता है वो अब मोर एक्यूरेट हो जाएगा, यानी कि एस्टिमेट टाइम जितना बताएगा उतना ही लेगा। फिर एक स्पेक्टेटर मोड आएगा जहाँ पे अगर आपको किसी ने मारा हो, कोई ओपोनेंट ने मारा हो, तो आप उनकी गेम को स्पेक्टेट कर पाओगे। आपके फ्रेंड्स को तो आप स्पेक्टेट कर ही पाते हो, पर आप अब आपके ओपोनेंट्स को भी स्पेक्टेट कर पाओगे। अब गाइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। परफॉर्मेंस में कि जो लैगिंग के इश्यूज है, जब ग्लिच होता है, लैग होता है, उसका सब आएगा, उसका सब अपडेट आएगा। और आपकी लैग को यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि बहुत ही कम करेंगे, गेम क्रैशिंग के इश्यू को भी कम करेंगे। जब आप गेम को ऑन करते हो, लॉन्च करते हो, तब भी उसका जो टाइम लगता है वो भी बहुत ही कम होगा। तो ये सब है ग्लिच का और ये सब है लैग के बारे में। फिर है जब परचेस करते हो आप इन गेम कोई कपड़े या फिर UC क्रेज को परचेस करते हो तो उसका सब अपडेट है। यहाँ पे आप डील्स कर सकते हो, यानी कि बार्गेन कर सकते हो, कैंडीज कर सकते हो लकी ड्रॉ में, और फिर टिकट होती है उससे भी आप कैंडी वाली लकी ड्रॉ में पार्ट ले सकते हो। फिर का इसे बहुत ही बढ़िया चीज़ है वो है कस्टमाइजेबल आउटफिट। आप आउटफिट को आप कस्टमाइज कर पाओगे, आपकी कोई स्क्वाड है, आपका कोई क्लैन है, उसके लिए आप आपका खुद का एक आउटफिट कस्टम कर पाओगे और फिर उसे आप पहन के एकदम अलग से दिख पाओगे। फिर एक नया क्रेट आया क्लासिक क्रेट, और जब हमारा रिजल्ट आता है गेम के बाद वहाँ पे जो रॉयल पास के मिशंस कंप्लीट हुए होंगे वो भी दिखेगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे कि नोटिफिकेशन फॉर रॉयल पास। फिर है नया चीज़ है जो है क्रू चैलेंजेस। देखिए
क्रू चैलेंजेस। यहाँ पे क्या है, लीडर्स अपने क्रू को, यानी कि एक टूर्नामेंट होगी क्रू चैलेंज करके, वहाँ उसके तीन स्टेजेस हो गए उस टूर्नामेंट के, क्वालिफिकेशन, ग्रुप एंड फाइनल्स। वहाँ पे आप अपने क्रू के साथ खेल पाओगे, जो टीम जीतेगी उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा है, क्या मिलेगा वो तो नहीं लिखा है। एक न्यू करेंसी आई है चैलेंज कॉइन, जो भी ये क्रू चैलेंजेस में पार्ट लेगा उन्हें यह चैलेंज कॉइन मिलेगी और उसको आप यूज़ कर पाओगे अपने की क्रू शॉप में, सेम एज क्लैन एक्ट, जैसे कि क्लैन शॉप होती है उसका भी अलग उसका यूसी है, उसका करेंसी है क्लैन का, वैसे आप यूज़ कर पाओगे। ये गैस बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये रूम के बारे में एडवांस रूम सेटिंग्स है, यहाँ पे जो रूम कार्ड्स का जो ओनर होगा, जो रूम क्रिएट करेगा, वो वेपन्स, अटैचमेंट्स, प्ले जोन सब कुछ कस्टमाइज़ कर पाएगा, जैसे कि पीसी वर्जन में होता है, यानी कि अब आपको ओनली पेन फाइट खेलनी है तो ओनली पेन फाइट खेल पाओगे, ओनली शॉटगन वाली खेलने तो ओनली शॉटगन मैचेस खेल पाओगे। अब FPP मीरामार और सैनहॉक में भी ऐड हो गया इन रूम्स, और अब प्लेयर कैन, वो दो चीज़ें तो आप वही है, सिंपल सी चीज़ है। और जो एंट्री होती है रूम की, वो पहले आपको मैप वाले में से सिलेक्ट करना पड़ता, वो आप डायरेक्ट बाहरी स्क्रीन में आ जाएगा। तो ये है गाइस रूम की अपडेट्स, बहुत ही बड़ी अपडेट है जो पहला वाला चीज़ लिखा है। तो ये है रूम। अब चलते अदर सिस्टम्स। तो ये तो सब बेसिक चीज़ है कि एक हेलोविन थीम आएगी, टेम्पररी थीम, फिर रिसेंट लाइक्स फ्रेंड्स के पेज में आएगा, लाइक रैंकिंग आएगी, क्लैन रीनेम कार्ड मिलेगा, अगर किसी को आपका क्लैन, आपके लीडर को अगर क्लैन को रीनेम करना हो तो बाय कर सकता है। फिर अचीवमेंट्स आई है, नई अचीवमेंट्स, तो आइए देखते हैं कि नई अचीवमेंट्स में क्या है। बहुत ही बड़े अचीवमेंट्स आई है, तो आइए देखते हैं। तो अचीवमेंट्स, न्यू अचीवमेंट आई फॉर एन आई, यानी कि अगर आपको किसी एनिमी ने नॉकआउट किया है और फिर आप वही गेम में उस एनिमी को मारते हो, तो आई फॉर एन आई वाली अचीवमेंट आपकी कंप्लीट होगी। फिर है टेक मी विथ यू, जैसे आपने अगर मेरी लाइव स्ट्रीम देखी हो तो मेरा एक टीममेट है वो करता है, अगर मैं बगी में हूँ और तीन बंदे हो तो एक बंदा ऊपर चढ़ जाता है फिर मैं उसे आगे ले चलता हूँ, तो ये भी आप कर सकते हो, 10 सेकंड के लिए वो करना पड़ता है। बट क्या है यहाँ पे कि आपको एनिमी के कार पे बैठना है, अपने टीममेट के नहीं बट एनिमी के कार पे। फिर वो जो फिजिकल ट्रेनर वाला, जंप 10,000 times, गेट डाउन 10,000 times एंड क्राउच 10,000 times। फिर एक न्यू ऑनर अचीवमेंट चिकन वेटरन, वहाँ पे गेट अ टोटल ऑफ 500 से 5,000 तक चैलेंज कॉइन करने, क्रू चैलेंजेस का वो अचीवमेंट पूरा रहेगा। फिर है बार्गेन मास्टर, यानी कि वो जो बार्गेन का मैंने पहले बोला था वो आपको करना है, 1,000 UC से लाइक 1,000,000 UC तक आपको बार्गेन करना है। फिर है न्यू जनरल अचीवमेंट कैंडी मास्टर, 6 other players को कैंडी से मारना है, वो तो मेरे ख्याल से ईजी लग रहा है। फिर है बाकी तो सब बेसिक चीज़ें है, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। गेस्ट मोड आया है, वो जो मोर में चला जाएगा जहाँ पे आप लॉग इन करते हो। फिर है फिल्टर द लैंग्वेज, जैसे मैंने बोला था जो पबजी मोबाइल वाले आप सेम लैंग्वेज वाले को स्क्वाड में पहले करेंगे तो आप फिल्टर भी कर पाओगे। फिर एक पोर्टेबल क्लोजेट आएगा स्पॉन आइलैंड में, एंड अ फ्यू लोडिंग टिप्स टू हेल्प प्लेयर्स अंडरस्टैंड न्यू गेम, यानी कि जब लोडिंग होगा तब टिप्स आएगी, नई वाली टिप्स आएगी। अब जो नेक्स्ट चीज़ है कैरेक्टर एक्शन इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि जो कैरेक्टर जो सारी एक्शंस करते हैं, जो ग्रेनेड्स थ्रो करते हैं, जब कहीं से फॉल करते हैं या फिर प्लेन से जब लैंड करते हैं, तो वो सब कैरेक्टर एक्शंस कहती है, और उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स आई है। तो आइए देखते हैं कि कैरेक्टर एक्शन इम्प्रूवमेंट्स में नया क्या आने वाला है पबजी मोबाइल अपडेट 0.9.0 में। कैरेक्टर एक्शन इम्प्रूवमेंट्स, सबसे पहले तो एडजस्ट द एंगल एंड डायरेक्शन ऑफ द हेड, यानी कि लेफ्ट या राइट आप जब मूव करते हैं तब हेड भी मूव करेगा। फिर एक नया वेविंग एक्शन आएगा, जब कैरेक्टर कहीं से फॉल करता है, बिल्डिंग कोई लंबा माउंटेन है बड़ा वाला, वहाँ से फॉल करता है। बाकी सारे कैरेक्टर एक्शन है वो भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। फिर है न्यू सेटिंग्स एंड इम्प्रूवमेंट्स, ये सब आप देख लीजिए। स्कोप का दो तीन चीज़ें कि टैप प्रेस एंड होल्ड, वो ऐसे आप स्कोप को ओपन कर सकते हो। फिर आप गेम की ब्राइटनेस को भी आप एडजस्ट कर पाओगे और साउंड इफेक्ट्स को भी आप एडजस्ट कर पाओगे लो एंड हाई, जो कि आगे की अपडेट में और भी ज़्यादा उसमें फीचर्स आने वाली है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें स्कोप्स की है। फिर रिवाइव और नया कस्टमाइजेबल बटन्स आएगा रिवाइव कैंसिल और थ्रोइंग का कैंसिल करने के लिए। फिर है प्रोजेक्टाइल इम्प्रूवमेंट्स, प्रोजेक्टाइल यानी कि जब आपकी कोई ग्रेनेड जाता है या फिर आपकी बुलेट जो ट्रैवल करती है उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स आया है। अदर इम्प्रूवमेंट्स है कि बुलेट अब अंडर वाटर बंदों को भी मार पाएगी, बट जो डैमेज डील होगा वो बहुत ही कम होगा। फिर है हेल्थ बार जो है उसमें भी एनिमेशंस नहीं आए हैं। फिर है हमारा जो है स्पॉन आइलैंड की एक चीज़ है, यानी कि वो मैप में अब दिखेगा कि स्पॉन आइलैंड मैप में कौन सी जगह पे है। फिर जो 8 main directions है, नॉर्थ,
वेस्ट, साउथ ईस्ट और जो नॉर्थ वेस्ट वाली, साउथ ईस्ट वाली 8 डायरेक्शंस का भी अब आपको इजीली पता चल पाएगा। फिर है बग फिक्सिक्स, यानी कि जो बग्स होते हैं पहले जो अपडेट्स में 0.9.0 के पहले अपडेट में, जो उसके पहले की अपडेट्स में जो बग्स हो गए वो सबको फिक्स किया है। एक बार ये सब बग्स देख लेना और आप मेरी प्रोफाइल भी देख सकते हो, उसमें भी बहुत सारे बग्स पे मैंने वीडियो बनाए। तो यही है गाइस पबजी मोबाइल पैच नोट्स फॉर अपडेट 0.9.0। मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलेगा ही नहीं। थैंक यू अगेन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।